ये भाई मीडिया वाला तो उभा रहे थे, तमे कहाँ एमने बेसाड़ो छो? अबे मने क्या साबर करना जोवानु बाकी छे, तमे मन जोएलो छे ने? केट केटलाय दसकाओ थी साबरकांठा साथेनो मारो निकट नातो रह्यो छे। पेढ़ीओ बदलाई गई, रंगरूप बदलाई गया, पण साबरकांठानो प्रेम एवो ने एवो मारा पर रह्यो छे। अने आपनो आ जे प्यार छे, आपना जे आशीर्वाद छे, एना कारणे मने आप सौ पर भारे भरोसो पण छे। साथियों, कदाच दुनियाना लोको मोदी ने एक देशना प्रधानमंत्री तरीके ओळखता हशे, परंतु देश माटे तो हूँ मात्र ने मात्र एक सेवक छु। देशवासियों माटे सेवानु व्रत लईने निकळेलो, आपना माटे खपी जनारो अने सदाय तमारो साथी, અહીંયા અનેકોને હું નામથી બોલાવી શકું અને અનેકો મને કહી જ ગયા, નરેન્દ્રભાઈ ઉભા રહો ને જરા, એવો આપણો નાતો અને એ જ શક્તિ છે જે શક્તિને લઈને આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। અનેક વાર આવ્યો છું, પરંતુ આજે હું આપની પાસે કંઈક માગવા માટે આવ્યો છું। सरकारी कामों में आवू तो कहीं के आपवा माटे आवू, कई योजना लेने आवू, कई शिलान्यास होय उद्घाटन होय, परंतु कोकवार तो मांगवा आवू जोए ने, अने मने तमारा आशीर्वाद जोईए छे, जेथी करीने 140 करोड़ देशवासियों जे सपना लईने जीवी रहा छे ए सपना ने साकार करवामां हूँ कोई पाछी पानी ना करूँ, मारी कोई उणप न रही जाए, अने एना माटे मने मजबूत समर्थन जोईए। संसद में मने गुजरातना बधा ज साथीओनी जरूर छे। देश चलावा माटे मने साबरकांठाए जोईए ने मेहसाणाए जोईए, अने मने पूरी खातरी छे कि आप सौ सातमी तारीखे अभूतपूर्व मतदान करीने प्रत्येक पोलिंग बूथ में विजय प्राप्त करवाना संकल्प साथे भारतीय जनता पार्टी ने विजयी बनावशो एवी मने पूरी श्रद्धा छे। भाइयों और बहनों, 2014 में जब आपने मुझे दिल्ली भेजा तो कोई छोटे मोटे काम करने के लिए थोड़ा भेजा था, आपने मुझे चुनौतियों को चुनौती देने के लिए भेजा था, चुनौतियों को टालने के लिए नहीं, चुनौतियों से टकराने के लिए भेजा था। और इस मिट्टी में वो ताकत है, दुनिया ने महात्मा गांधी में वो ताकत देखी थी,
देश ने सरदार वल्लभ भाई पटेल में वो सामर्थ्य देखा था, इस मिट्टी में वो ताकत है जिसने मुझे पाला पोषा बड़ा किया। और मैं आपके द्वारा दिए गए संस्कारों से, आपके द्वारा दी गई शिक्षा से आज देश की सेवा करने में दिन रात खपाता रहता हूं। आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं कि मैंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ये कांग्रेस के लोग देश को डराते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में आग लग जाएगी। राम मंदिर बना के नहीं बना, शान से बना के नहीं बना, प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई कि नहीं हुई, क्या कहीं कोई आग लगी क्या, कहीं तूतू मैं भी हुआ क्या? देश भर के लोगों ने मिल करके उस उत्सव के रूप में मनाया कि नहीं मनाया? यानी कांग्रेस के लोग जमीनी हकीकतों से कितने कटे हुए हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किस प्रकार से लोगों को भयभीत रखते हैं, डराते रहते हैं, इसका उत्तम उदाहरण है। देश में कोई आग नहीं लगी, लेकिन कांग्रेस के दिलों में जो आग लगी है वो कोई बुझा नहीं सकता। आप कल्पना कीजिए, देश आजाद होने के दूसरे दिन प्रभु राम का मंदिर बनना शुरू होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। देश को लड़ाई लड़नी पड़ी। 70-75 साल तक उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने लगातार कोशिश की, अदालत में भी कोशिश की, बाहर भी की, कानून बदले ताकि राम मंदिर बने नहीं, लेकिन आखिरकार न्यायालय ने निर्णय दिया, बेटा आप वो फोटो मैंने देख लिया, बैठ जाइए, पीछे लोगों को परेशान कर रही हो आप, अब बैठ जाइए। उन्होंने जो राम मंदिर के ट्रस्टी हैं, उन्होंने सब चीजें माफ कर दी। जिन जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया था, सब कुछ माफ कर दिया, और माफ करके उनके घर जाके उनको निमंत्रण दिया, आओ नए सिरे से अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये लोग देखिए, प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए। वोट बैंक की राजनीति में ये इतने डूबे हुए हैं कि वो संतुलन खो बैठे हैं। साथियों, ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटेगा तो देश टूट जाएगा, देश में खून की नदियां बहेगी, न जाने क्या क्या कहते थे। यहां तक कहते थे जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। उनको पता नहीं है ये मोदी है, ये उसको डराने के खेल बंद कर दो भाई। आप बताइए, आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा? जरा थक ढंग गए हो तो जरा जिंदा होकर के जवाब दो, क्या आर्टिकल 370 हटा कि नहीं हटा?
आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? क्या देश में कहीं खून की नदियां भाई? और आज लाल चौक में शान से आन बान शान के साथ देश का तिरंगा लहरा रहा है कि नहीं लहरा रहा है? साथियों, 10 साल पहले तक देश आतंकवाद की आग में जल रहा था और कांग्रेस, पता था पड़ोसी देश आतंकवादी एक्सपोर्ट कर रहा है और उनका यही बिजनेस है आतंकवाद एक्सपोर्ट करना। और जब आतंकवादी आते थे, बहुत बड़ी घटना करते थे, मुंबई में 26/11 कर दिया, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते रहते थे, लोग मर रहे थे, कश्मीर में आए दिन हमारे वीर जवान शहीद होते रहते थे, और उस समय की कमजोर सरकार क्या करती थी? डोजियर भेजती थी, जानकारियां, उनकी फोटो, ये सब भेजते थे, ये आपके यहां से आए थे, उन्होंने किया। और कांग्रेस पाकिस्तान से कहती थी कि बताओ भाई साहब, हम पर बम क्यों फोड़ते हो? वो भी एक जमाना था, डोजियर भेजते थे। आज का भारत आतंक के आकाओं को डोजियर नहीं, डोज देता है और घर में घुस करके मारता है। साथियों, हमारे देश में वोट बैंक की राजनीति की शिकार अगर कोई हुई तो हमारी मुस्लिम बहनें शिकार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था, ये संविधान लेके घूम रहे हैं ना शाहजादे, अगर संविधान के प्रति इतना सम्मान है तो भारत के संविधान ने बनाई हुई सर्वोच्च अदालत ने कहा था शाहबानू के केस में, लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट का अपमान करके कानून बना दिया और मुस्लिम बहनों को संरक्षण नहीं दिया। और 3 तलाक खत्म होने से सिर्फ मुस्लिम बहन को सुरक्षा मिली तो नहीं, पूरे परिवार को सुरक्षा मिली है, क्योंकि जब बेटी शादी करके जाती थी तब पूरा परिवार बड़े सपनों के साथ बेटी को ससुराल भेजता था, लेकिन चिंता रहती थी मुसलमान परिवार को कि कहीं दामाद 3 तलाक बोल करके बेटी को वापस न भेज दें। भाई को चिंता, पिता को चिंता, मां को चिंता, और ऐसी कितनी ही बेटियां 3 तलाक सुनकर के घर लौट आती थी, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे। लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने 3 तलाक के कानून को, परंपरा को रोकने के लिए हिम्मत नहीं दिखाई। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं थी, मैं चुनाव के हार जीत के हिसाब से देश नहीं चलाता हूं, मैं मेरी मुसलमान बेटियों को सुरक्षा देना चाहता था और मैंने इस देश में से 3 तलाक उसको खत्म कर दिया, लाखों बहनों की जिंदगी बचाई है, लाखों परिवारों की जिंदगी बचाई है। भाई और बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी ने जब ये सब किया तो कांग्रेस के शाहजादे को बुखार आ जाता है, तकलीफ हो जाती है, और बुखार में इंसान कुछ भी बोल देता है। शाहजादा कह रहा है कि अगर मोदी तीसरी बार आया तो फिर देश में आग लग जाएगी। बोलो, ये पता नहीं इनके दिमाग में आग कहां से भर गई है। दरअसल कांग्रेस के सपने आग में राख हो चुके हैं।
इस देश के लोगों ने कांग्रेस के हर इरादे को जान लिया है और इसलिए निराशा के गर्त में डूबी हुई कांग्रेस जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाती है, जो अपनी पार्टी में जान नहीं भर सकते हैं, वह देश में सत्ता प्राप्त करने के लिए निकले हैं। 60 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही है, लेकिन आज उनकी स्थिति लेने के देने पड़ गए हैं। ये लोग सरेआम क्या भाषा बोलते हैं देश के विभाजन की। अरे भाई, 1947 में विभाजन देख करके देश तबाह हो गया और अभी भी उनके बड़े बड़े नेता देश के विभाजन की बातें करते हैं। और ये कांग्रेस के सारे जो चट्टे पट्टे हैं ना, इंडी गठबंधन, उनकी रणनीति एक ही है, देश में अराजकता फैलाओ, अस्थिरता फैलाओ, देश मुश्किल में आ जाए, लेकिन कैसे भी करके इन्हें मोदी को बदनाम करना है। उन्होंने 100 साल की आपदा, सबसे बड़ी आपदा कोरोना के दौरान यही खेल खेले। भारत का कोविड मिशन फेल हो, भारत का वैक्सीनेशन मिशन फेल हो, इसके लिए उन्होंने हर प्रकार के हथकंडे अपनाए। जब सीए कानून हम लाए, तब भी उन्होंने नकारात्मक फैला करके देश में तूफान फैलाने की कोशिश की। आप मुझे बताइए, बंटवारे के समय तब के जो हिंदू, सिख, ईसाई पाकिस्तान में रह गए थे, क्या भारत की के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? बंटवारा तो धर्म के आधार पर हुआ था ना, तो जो पीछे रह गए उनका क्या कसूर था? अब भारत ऐसे पीड़ितों को नागरिकता दे रहा है तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है। साथियों, आज भी कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इन्होंने हर बार चुनाव हार जाए तो बहाना ढूंढते हैं, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम ने मार दिया, ईवीएम, और जहां जीत जाए तो चुप। ईवीएम के विरुद्ध देश को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऐसा चांटा मारा है, अब पता नहीं वो बोल नहीं पाएंगे कभी। अब इन्होंने क्या चलाया, संविधान खतरे में है, आरक्षण चला जाएगा। ये जो संविधान और आरक्षण की बातें करते हैं ना कांग्रेस वाले, बाबा साहब का, अंबेडकर का संविधान, इन लोगों ने 60-70 साल तक राज किया लेकिन पूरे देश में लागू नहीं कर पाए थे। कश्मीर में ये संविधान लागू नहीं हुआ था, कश्मीर में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मोदी है जिसने आकर के 370 हटा करके संविधान को कश्मीर में लागू किया। कश्मीर के अंदर जो दलित हैं उनको साल के बाद अधिकार मिले, आदिवासियों को अधिकार मिले, महिलाओं को अधिकार मिले, ओबीसी को अधिकार मिले। संविधान की पवित्रता हिंदुस्तान के हर कोने में सुरक्षित करने का काम मोदी करता है। क्यों? मोदी संविधान के प्रति समर्पित है। भाइयों बहनों, जब देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिए हैं, आज देश में सबसे ज्यादा एमएलए एससी एसटी ओबीसी के बीजेपी के, सबसे ज्यादा एमपी एससी एसटी ओबीसी के बीजेपी के, उनका सब खाली हो गया है। और इसलिए अब उन्होंने एक कारोबार चलाया, फर्जी वीडियो, फेक वीडियो, सारा कारोबार फर्जी। उनकी बात कोई सुनता नहीं तो मोदी का चेहरा और मुंह में दूसरी बात डाल करके लोगों को दिखा दे, अरे भाई तुम्हारे में हिम्मत हो तो तुम अपने चेहरे से बोल के दिखाओ ना, वो दम नहीं है। और उनको पता है न देश उनको देखना चाहता है, न देश उनको सुनना चाहता है, न देश उनको स्वीकार करना चाहता है।
और आज कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं खुद तो बड़ी बड़ी बात है जैसे मोहब्बत की दुकान, लेकिन उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है। मोदी को बदनाम करने में वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया हूं देश उनकी ये झूठी बातें, फर्जी बातें स्वीकार नहीं कर रहा है। पहले और दूसरे चरण में जो मतदान हुआ है उनके होश उड़ गए हैं और बहानेबाजी खोज रहे थे। अब जो पूरा पराजय में भी मोरल विक्टरी देखते हो, उन लोगों को देश की जनता कभी स्वीकार करने वाली नहीं है। और मुझे विश्वास है मेरा गुजरात इस विजय यात्रा में सबसे आगे रहेगा। सबसे ज्यादा वोट गुजरात देगा, सबसे ज्यादा बूथ विजयी करके गुजरात देगा और सभी की सभी सीटें गुजरात देगा। साबरकांठा से एक प्राथमिक शिक्षिका इस बार चुनाव के मैदान में है। समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को सम्मान करना ये भारतीय जनता पार्टी के पास समर्पण भाव से करने का इरादा रहता है। और इसलिए हमारी छोटी बहन शोभना आज आपके उम्मीदवार के रूप में हम लाए। महसाणा से हमारे मंझे हुए साथी हरिभाई पटेल, शोभना बहन भी खड़े हो जाए, और यहां बीजापुर में उपचुनाव है उसमें हमारे चावड़ा जी, सीजे चावड़ा, बहुत पुराने मंझे हुए खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि वो कांग्रेस में तब भी मेरे एक शब्दों को कभी उन्होंने टाला नहीं है, आज मैं पब्लिकली कहता हूं। और मुझे खुशी है कि आज वो हमारे साथी बनकर के गुजरात का भाग्य बदलने के में अपना योगदान देंगे। साथियों, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमें हर बूथ में कमल खिलाना है। और आप ये भी पक्का मान लीजिए, जब आप इनको वोट देंगे ना तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। आपका हर वोट मोदी को मजबूत करेगा। और आज पूरा देश बड़े विश्वास से कह रहा है, फिर एक बार। और एक बात आपको भूलनी नहीं है, यहां हमारे भूपेंद्र भाई गुजरात के विकास के लिए जो मेहनत कर रहे हैं नम्रता के साथ, मृदुता के साथ, ये विजय गुजरात की विकास यात्रा को भी मजबूती देने वाला है। और इसलिए भी, और भाइयों बहनों, मैं गुजरात का बहुत उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। अने मारे पहला जे पहली बार जे वोटर थे हमने जरा खास बात करवी है, जे लोगों ने पहली बार मत आपवा जवानों से, कारण के अत्यारे जे पहली बार वोट आपवा जैसे ने एमने तो खबर ज नहीं हुआ है कि एमना माँ बाप की भी मुसीबत में जीवता था। काचा रोड होए, हॉस्पिटल ना होए, हॉस्पिटल हुए तो डॉक्टर ना होए, हॉस्पिटल हुए डॉक्टर हुए तो दवा ना होए। आज ये 18-20 वर्षना जवानियाँ हो जाए एमने खबर नहीं हुआ कि एमना माँ बाप जूनी सरकारों में केवी मुसीबतों में जीवता था।
જે 18-20 વર્ષના મતદાતાઓ છે એમને એ ખબર નહીં હોય કે આ મોદી સાહેબને તમે દિલ્હી મોકલ્યા એ પહેલાં દેશની શું દશા હતી. તમે જોયું હશે બધે ચોરે ને ચૌટે એક સૂચના જોવા મળતી હતી, યાદ હશે બધા જૂના લોકો, હું કહી ત્યારે યાદ આવશે. કોઈ પણ બિનવારસી ચીજ દેખાય તો હાથ અડાડવો નહીં, બિનવારસી ચીજ દેખાય તો દૂર રહેવું, ક્યાંય બિનવારસી બેગ દેખાય તો પોલીસને જાણ કરવી, કોઈ બિનવારસી ટિફિન દેખાય કેમ તો દેશમાં ક્યાંય પણ બોમ્બ ભડાકો થશે એવું દેશ ભયમાં જીવતો હતો. આ મોદી સાહેબને આવ્યા પછી આ બિનવારસી બધું શું થયું ભાઈ, બંધ થઈ ગયું કે ના થઈ ગયું? એનો અર્થ એવું કહે છે એ વૃત્તિના લોકો છે, એમની વૃત્તિ નહીં ગઈ હોય તો એમને ખબર છે કે મોદી સાહેબ છે ત્યાં સુધી નહીં કરાય. અને એટલા માટે ભાઈઓ બહેનો, 18 વર્ષની ઉંમરના બાળકો જે છે ને, જવાનિયાઓ, એમને આ જોવા જેવું છે. તમે પહેલા છાપું ખોલો ને તો ભ્રષ્ટાચારના સમાચારો આવતા હતા. પહેલા જયારે છાપું કરો ને ભ્રષ્ટાચારના સમાચારો આવતા હતા, આટલા ગયા, આટલા લૂંટાયા, આટલા ગયા. આજે કયા સમાચાર આવે છે? આટલા પકડાણા, નોટો ગણતા ગણતા મશીન થાકી ગયા, એવું આવે છે? આવે છે કે નથી આવતું? હવે આ બધે પકડું તો પછી તકલીફ તો થાય ને ભાઈ, તો પછી મોદીને હટાવવા માટેના કારસા તો રચે કે ના રચે? તો મારી રક્ષા કોણ કરે? મારી રક્ષા કોણ કરે? કોણ કરે? અરે મારા દેશનો એક એક નાગરિક કરે, આ મારા ગુજરાતનો વાલો ભાઈ કરે, મારો બહેન કરે. ભાઈઓ બહેનો, એક જમાનો હતો ઉમરગામથી અંબાજી સુધી આખા આદિવાસી પટ્ટામાં વિજ્ઞાનની શાળા જ નહોતી. બોલો, આ બધા આટલી બધી વાતો કરે છે ને આરક્ષણની, વિજ્ઞાનની શાળા જ નહોતી. તો આ મારો આદિવાસી છોકરો વિજ્ઞાનની શાળામાં ના ભણે તો એન્જિનિયર ને ડૉક્ટર ક્યાંથી થાય ભાઈ? ગુજરાતમાં મોદી મુખ્યમંત્રી બન્યા પછી પહેલી વાર આદિવાસી પટ્ટાની અંદર વિજ્ઞાનની શાળાઓ શરૂ થઈ, અને આજે તો મેડિકલ કોલેજો આદિવાસી પટ્ટામાં છે, આજે યુનિવર્સિટીઓ આદિવાસી પટ્ટામાં છે. વિકાસ કેમ કરાય તમે વિચાર કરો સાહેબ. 4 કરોડ ઘર આપણે બનાવ્યા, આંકડો નાનો નથી. ગરીબો જેને પાસે જિંદગીમાં 4-4 પેઢીથી પાકું ઘર નહીં જોયું હોય એવા પરિવારોને પાકું ઘર મળે ને, અહીંયા બધી પાકા ઘર જેને મળ્યા છે ને એ બહેનોએ આવીને મને હમણાં આશીર્વાદ આપ્યા, તમે જોયું હશે. આ પાકું ઘર મળે ને એટલે એના સપના પાકા થઈ જાય, જીવનમાં કંઈક કરવાની ઈચ્છા જાગે, છોકરાઓને ભણાવવાનું મન થાય, જિંદગી બદલાઈ જાય. અને તમને મારી વિનંતી છે, હું કહું એક કામ કહું, તમે કરશો? થાકી નથી ગયા ને, કરશો? એક કામ કરજો, આ ચૂંટણીમાં તમે ગામે ગામ જાઓ ને તો કોઈ ઘર ગામમાં 1-2 લોકો કદાચ તમને એવા મળે કે હજુ ઘર ના મળ્યું હોય, કારણ કે રહી ગયા હોય કામ. કેટલાકમાં ઘર મળ્યું હોય પણ હવે છોકરો જુદો રહેવા ગયો હોય, એને ઘર ના હોય, તો એમને કહેજો કે આપણા મોદીભાઈ આવ્યા હતા અને મોદીભાઈએ કહ્યું તમે ચિંતા ના કરતા, ત્રીજી વખત સરકાર બનશે ને તમારું ઘર બની જશે, અને આ મારી ગેરંટી. કહી દેશો જેને જેના ઘરમાં ગેસનું કનેક્શન નહીં હોય મારા વતી તમે કહી જ દેજો, તમને કોરો ચેક આપી દીધો મેળો, તમે જ મારા માટે મોદી. કોઈને નળથી જળ કનેક્શન ના મળ્યું હોય કહી દેજો ત્રીજી ટર્મમાં પાકું. આપ વિચાર કરો, 2-3 કામો માટે હું તમને ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. આપણે એક યોજના બનાવી છે, કોઈ પણ સમાજનો કોઈ પણ વર્ગનો વ્યક્તિ, ગુજરાતનો કોઈ પણ વ્યક્તિ, ગુજરાતમાં રહેનારો કોઈ પણ વ્યક્તિ, તમારા ઘરમાં 70 વર્ષથી ઉપરના
પિતા માતા કાકા કાકી નાના નાની કોઈ પણ હોય, અને આજકાલ તો હોય છે જ, પરિવારમાં વડીલો હોય છે, પરંતુ ખાવા પીવામાં કોઈ છોકરાને તકલીફ ના પડે, મા બાપને ખવડાવે પીવડાવે શાંતિથી રાખે પણ ખરા, પણ જો બીમારી આવી જાય તો છોકરો ગમે તેટલી મહેનત કરતો હોય ને પણ એના ટાંટિયા ના મળે બિચારાના, કારણ કે એક બાજુ છોકરા મોટા કરવાના હોય, છોકરાની ચિંતા હોય, એમને ભવિષ્ય જોવાનું હોય, બીજી બાજુ મા બાપ માંદા પડી જાય તો શું કરવું, તો મોટો બોજ જે 35, 40, 50, 55 વાળી ઉંમરના ભાઈઓ છે એમના ઉપર પડે. અને એટલે જ આ મોદીએ નક્કી કર્યું છે કે 70 વર્ષથી ઉપરનો કોઈ પણ નાગરિક એની હવે બીમારી હોય તો એના ઈલાજ કરવાની જવાબદારી આ દીકરાની, એને હવે તમારે ખર્ચો ભોગવવાનો નહીં, એ જવાબદારી મોદીની. હવે આ વાત તમે ઘરે ઘરે પહોંચાડો, એમને કહો કે આ કામ કર્યું છે, મારે બીજું કામ કરવું છે, મારે તમારું વીજળી બિલ ઝીરો કરી દેવું છે, મારે તમારું પેટ્રોલનું બિલ ઝીરો કરી દેવું છે. તમને થશે કે આ શું થયું છે આજે સાહેબને, પણ વાતો હવામાં નથી સાહેબ, આપણી પાસે યોજના છે. આપણે પીએમ સૂર્યઘર યોજના નક્કી કરી છે, અને આ પીએમ સૂર્યઘર યોજના અંતર્ગત સરકાર 50, 60, 70 હજાર રૂપિયા જેવી જરૂરિયાત એટલા રકમ આપે છે, અને તમારા ઘર ઉપર તમે સોલાર સિસ્ટમ ફિટ કરો, અને તમે જે વીજળી પેદા કરો તમારે જોઈએ તમે મફતમાં વાપરો ઝીરો બિલ, અને વધારાની વીજળી સરકાર ખરીદશે એમાંથી તમે કમાણી કરો. આજે તમે વીજળીનું બિલ ભરો છો, મોદી એવા દિવસો લાવશે કે તમે વીજળીમાંથી કમાણી કરશો. બોલો આનાથી બીજું ખોટું શું? ને મારી વાત સમજાય છે? કંઈ લાગતું નથી સમજતા હોય એવું, હે? આમ એકદમ ધ્યાનમગ્ન થઈ ગયા છો આજે. તમે વિચાર કરો, વીજળી બિલ મફત, બીજું મેં કહ્યું તમારું પેટ્રોલનું બિલ. હવે જમાનો ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલનો આવવાનો છે, એટલે તમારી પાસે સ્કૂટી હોય, સ્કૂટર હોય, કાર હોય, તો આજે તમને ઘરેથી નીકળો 100-200 રૂપિયાનું પેટ્રોલ ભરાવવું પડે. હવે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ આવશે એટલે તમારા ઘરમાં જ જે વીજળી છે, તમારું વાહન રાત્રે ચાર્જ થઈ જાય, સવારે નીકળી પડો, 1 રૂપિયાનો પણ તમને પેટ્રોલનો ખર્ચો નહીં. હવે તમે મને કહો કે આ દેશનો જે મધ્યમ વર્ગ છે એનું જીવન કેટલું બદલાઈ જશે, અને એ પૈસા પોતાના પરિવારના કલ્યાણ માટે, પરિવારના સપના પૂરા કરવા માટે કેટલા બધા વાપરી શકશે. આપ જુઓ ગુજરાત ગર્વ કરે, આજે દુનિયાનું સૌથી મોટું સ્ટેચ્યુ ક્યાં? દુનિયાની સૌથી મોટી ઓફિસની એરિયા કોનો? સુરતનો. દુનિયામાં સૌથી મોટું સ્ટેડિયમ ક્યાં? આ તાકાત છે ગુજરાતની ભાઈ. અને હવે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ બનવાના કામ ગુજરાતમાં થવાના, વિમાન બનવાના કામ ગુજરાતમાં થવાના, સેમી કન્ડક્ટરનું મોટું કામ જે દુનિયાના 4 કે 5 દેશમાં છે એ ગુજરાતમાં થવાનું. તમારે તો 2 હાથમાં લાડવા છે કે નહીં લ્યા, 5 આંગળી ઘીમાં છે કે નહીં? તો પછી મોદીને મજબૂત કરવાના કે ના કરવાના હોય? તો મારી તમે બધા વિનંતી છે ભાઈઓ, ગમે તેટલી ગરમી હોય પણ પહેલા મતદાન પછી જલપાન. મંજૂર? મંજૂર? ભાગે પાયે બોલો, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી.